नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रकेश और आप देख रहे हैं इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपको कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। तो आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ गूगल क्रोम पे चले जाना है और गूगल के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल सर्च करना है। मात्र आपको जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, देखिए मैंने सिर्फ ई लिखा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पे देखिए UPPCL क्विक बिल पे करके आएगा, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे स्क्रीन के सामने देखिए एक विंडोज ओपन होगा। नेट थोड़ा स्लो है, फिर भी देखिए इस तरीके से उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड करके एक यहाँ पर देखिए स्क्रीन ओपन हो रहा है। ये स्क्रीन ओपन होने के बाद हम आपको आगे दिखाते हैं, देख सकते हैं ये खुल चुका है। इसको खुलने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे, आप देखेंगे जो भी बिल आपको पे करना होगा वो आपको अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये अमाउंट हमारा खुल चुका है जिसमें हमको 400 रुपये पे करना है। तो पे करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। डालने के बाद आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ से पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट के ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप QR कोड से करना चाहें, UPI से करना चाहें, फ़ोनपे से करना चाहें, तो आप इन सब ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का वॉलेट यूज़ करते हैं तो वॉलेट से भी आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रोसेस ले लेता हूँ, सीधे मैं यहाँ पे QR कोड का प्रयोग करता हूँ और इसके थ्रू पेमेंट करने के लिए देखिए मैं ऑप्शन का प्रयोग करूँगा। देखिए QR कोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड विथ पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और आपको अपने मोबाइल में फ़ोनपे से अगर पेमेंट करना है या गूगल पे से, जिस जगह से आपको QR कोड स्कैन करना है उसको ओपन कर लेना है। और करने के बाद आपको सीधे अपने फ़ोनपे से इसको स्कैन करना पड़ेगा। तो स्कैन करने के लिए देखिए अभी खुल रहा है, खुलने के बाद मैं स्कैन करके पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से अपने मोबाइल से इसको स्कैन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं पेमेंट हमारा हो चुका है, अभी हमारे सामने पेमेंट का रिसिप्ट आ जाएगा। देखिए रिसिप्ट आ रहा है, ये देखिए अभी अभी रिसिप्ट हमारे सामने आ गया। तो हमने यहाँ पे जो पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट आ गया। और आप इस रिसिप्ट को प्रिंट दिस ऑनलाइन रिसिप्ट, आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं।